वेलकम टू एनएफसी एंड वाराणसी. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड फूड वीक, राइट. यहाँ पर हमारे बच्चों ने, वाराणसी कैंपस के बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्यूजीन कवर किया हुआ है. बच्चों ने आज जो बनाया है, उन्होंने डेजर्ट भी बनाया हुआ है. लाइक आई कैन सी, वेलकम ड्रिंक से स्टार्ट हुआ है ये चीज, और वैरायटी ऑफ क्यूजीन यहाँ पे कवर किया है बच्चों ने. नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा सिंह है. मैं एनएफसीआई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाराणसी कैंपस से हूँ. आज यहाँ पर हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं बताना चाहूँगी वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट क्यों होता है. क्योंकि वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करने के पीछे रीज़न ये है कि हंगर के अगेंस्ट बहुत सी पब्लिक, अराउंड 20% ऑफ होल पॉपुलेशन जो है वो रोज हंगर से फाइट कर रही है. और न्यूट्रिशियन फूड का जो है, जो फूड फूड जो न्यूट्रिशियस जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, किसी को पता नहीं होता है. तो उसकी जागरूकता के लिए FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका एक मतलब एक संगठन में एक डे डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड फूड डे हम सेलिब्रेट करेंगे. ये 16th of October को मनाया जाता है बेसिकली. और ये जो पूरा वीक होता है ये वर्ल्ड फूड वीक के नाम से जाना जाता है. और हम क्योंकि फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, तो हम आज इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें एनएफसीआई वाराणसी के बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया है. 24 वेराइटी बनाई है, डिफरेंट क्यूजीन लाइक इटालियन, आपके इंडो चाइनीज क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन को बच्चों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है. वर्ल्ड फूड डे के मौके पे आज हमारे यहाँ जनरल मैनेजर आए, हमारे यहाँ सैलेश जी आए थे, और बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, बच्चों के डाउट्स क्लियर किए, बच्चों की बनाई हुई डिश को उन्होंने टेस्ट किया, साथ में उनको फीडबैक दिया. फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव रहा बच्चों के लिए, और उन्होंने बताया कि उनको और कहाँ कहाँ पे वर्क करना है. उनका वैल्यूएबल जो फीडबैक है उस पर हम आगे वर्क करेंगे, और हमारे बच्चों का उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी बच्चे ऐसे ही को सर्विस देते रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे. थैंक यू सो मच.